भैया गेम शुरू हो चुका है। बस सौरभ भाई बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। बॉलर्स का प्रयास, संदीप खालोर की तरफ से भाई, संदीप खालोर की तरफ से भाई बहुत बढ़िया प्लेयर, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। स्कोर भाई बराबर हो गया है, एक तरफ से भाई सौरभ तो दूसरी तरफ से संदीप। एक और बेहतरीन साइड किक, चार बेहतरीन चार बेहतरीन और कहीं बेहतरीन तो जी संदीप चौक बहुत बेहतरीन सारी ठंड दूर कर दी इस खिलाड़ी ने भागदौड़ करके। भैया बेहतरीन दे रही है बाकी दूसरे बाकी बेहतरीन प्रयास और एक और पॉइंट मिलता हुआ स्कोर फिर से बराबर। सौरभ बादशाहपुर की तरफ से बेहतरीन पलटी भाई, बहुत बढ़िया खेल चलता हुआ आकाश बेहतरीन। लड़के का तो कोई कमाल ही नहीं है भैया, बस कमाल का मुकाबला देखने को मिला है। सौरभ भाई बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, कमाल का प्रदर्शन रहा है इसका पूरे टूर्नामेंट में और यहाँ गेम दिखाता हुआ। एक और एम्प्टी रन में तरफ से चले अंकित रेड रहते हुए बादशाहपुर के पाले में अंकित भाई बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, खालोर की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हुआ एक और बेहतरीन प्रयास है और भाई कैच लगा दी भाई, भाई विशेष रूप छोड़ दिया करो भाई। सौरभ बादशाहपुर की तरफ से भाई ये वो सौरभ है बेहतरीन कमाल का प्रदर्शन जिसमें एक मुकाबला करीब एक घंटे तक चला था, पहले 15-15 मिनट का मुकाबला बराबरी पर रहा, पोत और खाद के बीच वो मैच था, उसके बाद भाई फिर 5-5 मिनट दी गई वो मैच बराबर रहा, फिर 5-5 रेड दी गई वो भी बराबर रहा, बहुत जबरदस्त गेम था भाई वो जिसमें एक तरफ खाद की तरफ से अंकित थे तो पोत की तरफ से सौरभ रेडर थे। एक और बेहतरीन टच भाई स्कोर, ये जो मैच है बहुत कांटे का होगा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच। खालोर बनाम बादशाहपुर बिल्कुल आप समझ सकते हैं इसे मुकाबले की अहमियत, बेहतरीन डुबकी लगाई है सौरभ ने, कमाल की एक और रेड सचिन भाई। खालोर की टीम जब भी गांव डूंगरा जाट में कबड्डी का टूर्नामेंट खेलने के लिए आती है तो सचिन की अहम भूमिका रहती है उस टीम के साथ और इस समय रेड में 4-6 का स्कोर है। सचिन झंडी लगाने का प्रयास है और बिल्कुल भाई सुनील भाई का आप देख सकते हैं रिएक्शन, 5-6 स्कोर हो गया है तो दूसरी तरफ से भाई सौरभ लगातार रेड करता हुआ खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों का इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो। एक और बेहतरीन प्रयास है, क्या जबरदस्ती है भाई कमाल की, सचिन फिर वही खिलाड़ी अंदर 2 पॉइंट का है और भाई जबरदस्त कैच लगा दी बादशाहपुर के डिफेंस ने। सौरभ एकमात्र रेडर बादशाहपुर की तरफ से अनबीटन मुकाबला खेला है और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस खिलाड़ी का, 8-5 का स्कोर। साथियों डोंगरा जाट कबड्डी टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस तरह के मुकाबले कई देखने को मिले हैं लेकिन ये मुकाबला सबसे रोमांचक इसलिए भी है, 4 नंबर जर्सी में खालोर का प्रतिनिधित्व करता हुआ खिलाड़ी बेहतरीन शाइन हेड टच लगाने का प्रयास, सेकंड को एक बार फिर झंडी लगाने का प्रयास है, हर संभव प्रयास करता हुआ खिलाड़ी
अपनी टीम को अगले दौर में प्रवेश कराने की पूरी जदोहद और जिद इस खिलाड़ी की। लेकिन सामने जो डिफेंस है वो भी एकदम बेहतरीन है और एक और सफल प्रयास इशारा सुनील भाई का। 8 का स्कोर, 2 पॉइंट की लीड में अभी भी बादशाहपुर। एक और बेहतरीन, क्या बेहतरीन है भाई, आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से खेल भावना का परिचय दे, क्या बात है सौरभ भैया। किसी प्यार से दोनों टीमों के बीच दीपक बोली टाइम चालू कर लियो भाई। सचिन एक बार फिर 4 नंबर की जर्सी में खालौर की तरफ से बड़ा जबरदस्त गेम दिखाया अभी तक दोनों टीमों ने। बार बार झंडी लगाने का प्रयास है सचिन का, फिर से वही काम। और स्कोर की बात करें साथियों तो 8-8 स्कोर बराबर कर दिया है दोनों तरफ से। कमाल का प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे रोमांचक मुकाबला। क्या जबरदस्त गेंद लगाई है, चौथे के इनको निशाना बनाया, बहुत बेहतरीन दोनों तरफ रेडर है। डिफेंस ने भी हालांकि एक एक कैच लगाई है, फिर से स्कोर बराबर हो गया है, पॉइंट मिलता हुआ एक और खालौर को। सौरभ सरदर्द बने हुए हैं चैन की अगर बात करें तो, लेकिन एक और बेहतरीन प्रयास और कामयाब प्रयास। उसके बाद हरियाणा जसौर खेड़ी और जटपुरा, सॉरी भाई चाड़ौल के बीच, रॉकी चाड़ौल के बीच में देखने को मिलेगा। दोनों मुकाबले काफी खतरनाक देखने को मिलेंगे। एक और प्रयास सचिन, लेकिन भाई इस बार तारीफ करनी होगी इस डिफेंस की। सचिन को निशाना बनाया और सचिन के जो अनबीटन गेम चल रहा था उसे भाई रोका है सौरभ। क्या बेहतरीन ये प्रयास है, और भाई आप कह सकते हैं रेफरी का निर्णय आना भी बाकी है। और एक और बेहतरीन कैच है खालौर का डिफेंस भी भाई। लगातार दोनों टीमों की तरफ से अभी तक सेम एक जैसा मुकाबला देखने को मिला है। सचिन खालौर का ये बेहतरीन रेडर इस समय बिल्कुल भाई मिट्टी के कोर्ट पर आग लगा रहा है एक तरह से बात करें तो। 10-11 का स्कोर, बड़ा रोमांचक मुकाबला साथियों आपके सामने चलता हुआ। एक एम्प्टी रेड, दस ग्यारह का स्कोर, बिल्कुल डिफेंस को चंडी लगाने का प्रयास और भाई पौआ छोड़ा लिया। क्या बेहतरीन प्रदर्शन, एक रेड उसमें हो गई है। तुरंत तैयार है, तुरंत सचिन सौरभ के सामने पहले राइट से रेड स्टार्ट की, इस समय लेफ्ट रेड पर। जितनी रेड इस मुकाबले में एमपी देखने को मिलेंगी मानो इतना ही मुश्किल बढ़ेगी। और क्या ये बेहतरीन रेफरी का निर्णय आने दे भाई, ऑफिशियल का भाई निर्णय आने दे भाई। एक पॉइंट है भाई, बहुत अच्छा है सारा, रेडी हो जाए सौरभ। क्या बेहतरीन भाई ये डुबकी है, कमाल की डुबकी। रेफरी का निर्णय क्या आता भाई, 2 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि जहां ग्यारह 13 स्कोर हो गया भाई। एक और बेहतरीन प्रयास भाई, मध्य अंतर 12-14 स्कोर है, 2 पॉइंट की लीड में बादशाहपुर की टीम है। इस समय बादशाहपुर की टीम है। सेकेंड हाफ का मुकाबला और एक और बेहतरीन भाई कैच लगा दी है। स्कोर की बात करें तो साथियों 1 पॉइंट का अंतर रह गया मात्र। स्कोर
13-14 बेहतरीन प्रयास है, लेकिन क्या सफलता मिलेगी? निगाह है और रेफरी की टिकी हुई है पूरी तरह से और झंडी लगी है भाई, पॉइंट मिलेगा भाई। भाई साथियों एक बार फिर स्कोर फिर से बराबर हो गया, लेकिन सौरभ की चालाकी काम आई, सौरभ की डुबकी काम आई, एक और बेहतरीन रेड लगा दी सौरभ ने। सचिन बनाम सौरभ चलता हुआ ये मुकाबला, खालोर की तरफ से लगातार कामयाब हुए हैं सचिन। तो भाई क्या बेहतरीन ये बचाव है झंडर का, फिर से स्कोर बराबर। भाई ऊपर एक ही रहो, अरे नया के पालक ना भाई। बेहतरीन झंडर का प्रयास जरूर बेहतरीं था, लेकिन रेफरी का निर्णय तो शायद पॉइंट मिलेगा एक और। 3-2 का स्कोर है सेकंड हाफ की, मगर बात करें तो खान और एक पॉइंट की लीड में दूसरे हाफ में। खेल एक खिलाड़ी का नहीं है, 8 जनों का खेल है, सबकी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बुरा है तो सही बात है सचिन, बुरा ऊपर बैठ जा। अरे ये भैया क्या एक और बेहतरीन प्रयास है, 8-2 करके एक और नंबर तराजू पर तोल दिया जाएगा ये। फिर से एक पॉइंट और, रेफरी का निर्णय लेते भाई। भाई खालोर अभी तक इस मुकाबले में एक भी बार लीड में नहीं आई है, तो 2 से 3 पॉइंट की लीड भी नहीं बढ़ी है। कभी मुकाबला है बराबर तो कभी एक पॉइंट की लीड बादशाहपुर के पास। सचिन ना खालोर कम है, क्या फिर कामयाबी मिली है सचिन को? बादशाहपुर कम है, पॉइंट मिलता हुआ और फिर से बराबर और फिर लीड में आ गई भाई बादशाहपुर एक पॉइंट की। बहुत बड़ा और बेहतरीन मुकाबला दर्शक साथियों आपके बीच, आप कह सकते हैं जो साथी हमारे साथ लगा था बेहतरीन भाई हेड टैकल है, कमाल का हेड टैकल लगा दिया है कॉर्नर ने। सेकंड हाफ में भी 5-5 स्कोर बराबर है, अंतर है तो चलो कमाई की है 2 पॉइंट की फर्स्ट हाफ में, वो अंतर है। इस लड़के का भी कमाल है भाई सौरभ, दोनों पाले में अकेले रेड दिए उसने, ओवर मैन आर्मी की तरह काम किया है सौरभ ने अभी तक, और डिफेंस की भाई तारीफ करनी होगी दोनों तरफ से, क्योंकि जब जब मौका मिला है डिफेंस ने कैच लगाई है। एक और बेहतरीन भाई टो टच, जबरदस्त स्लिप, बेहतरीन प्रदर्शन। अगर यही मुकाबला दोपहरी में या शाम के समय होता बार तो भाई पॉइंट एक और मिलेगा भाई, झंडी को सीधी कर ले सौरभ, फिर वही गेम। और भाई इस मुकाबले की पूरी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलेगी देखने को। एक और भाई बेहतरीन जबरदस्त प्रदर्शन, कमाल का प्रदर्शन इस लड़के का भाई, तो परिणाम कुछ और ही होगा। क्या ये वो मुकाबला है जो आपको अब से 2 साल पहले डूबा जाट के टूर्नामेंट में देखने को मिला था? सचिन एक और भाई, एक और नंबर लगातार सचिन ने झंडी लगाई है भाई, गमासान संघर्ष चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, चाहे बात करें भाई बादशाहपुर की या बात करें खालोर की। खालोर हमारा भाई पड़ोसी गांव है, यहां से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है और हमारी आवाज भी खालोर तक पहुंच रही होगी। सेकंड हाफ में 1 पॉइंट की लीड में आ गई बादशाहपुर की टीम। इतना बढ़िया मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा एक भी जितना ये हुआ है। बुरा या गेम के अगले गेम पर सचिन लग रही है ढांते, क्या खेल हो रहा है भाई, कमाल का प्रदर्शन भाई। छोड़ दे भाई मिशन गलत काम भाई, छोड़ दो भाई छोड़ दो, चलो चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर गलत काम नहीं। लड़ाई 6 मिनट का समय शेष साथियों, 6 मिनट का समय शेष है सौरभ भाई, अब 4 पॉइंट की लीड में आ गई बादशाहपुर। और भाई सभी टीमों को मैं संकेत दे रहा हूं साफ, खेल भावना का परिचय दे
और हम उम्मीद करते हैं आप उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। एक और बेहतरीन रेड लगा दी सौरभ ने। कंपिल भाई इससे भी बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे अभी आपको, क्योंकि जिस तरह की टीमें हैं एक और बेहतरीन मुकाबला केलावर वर्सेस उसरे के बीच देखने को मिलेगा अगला। अंकित इस समय युवा खिलाड़ी हलचल मचा दी भाई पूरे ग्राउंड में, लेकिन डिफेंस की तारीफ करनी होगी। एम्प्टी रेड भाई, समय समाप्त हो गया रेड का। 7-10 स्कोर, सेकंड हाफ की बात करें तो 7-10 का स्कोर है और अंतिम भाई 5 मिनट से इस मुकाबले की 5 मिनट। स्कोर भी भाई 5 पॉइंट का ही अंतर है और भाई एक और कमाल का प्रयास दीपक का कामयाब रेड भाई। ये टीम भी आपको बहुत बड़ी बड़ी टीमों का खेल बिगाड़ेगी, ट्रॉफी पर क्या कब्जा कर पाएगी। यहाँ कामयाबी मिलती हुई एक बार फिर कालर को। भाई अंतिम 4 मिनट से इस आपकी इस मुकाबले की 4 मिनट से इस भाई क्या आप बेहतरीन ये जंप लगा दी है, कमाल की ये जंप है भाई। रेफरी का निर्णय आनंद भाई, दो पॉइंट है भाई क्योंकि डिफेंडर भी बाहर भाई। 4 मिनट बोली है, 4 मिनट का समय बचा था भाई, अब करीब 3.5 मिनट के आसपास का समय है इस मुकाबले का। भाई स्कोर की बात करें एक और भाई कैसे लगा दी, 8-14 का स्कोर है, 6 और 2 8 पॉइंट का अंतर हो गया भाई। अब मुकाबला समाप्त साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद भाई खालोर का। यहाँ सफर समाप्त होता है इस टूर्नामेंट से, लेकिन हम भाई बहुत बहुत आभारी रहेंगे खालोर की टीम की इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई टीम के लिए, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई सचिन खालोर मास्टर जी, बिमल मास्टर जी 100 रुपए देते हुए इसके बढ़िया गेम पर भाई तालियां बजा दे एक बार साथियों। और भाई सौरभ बादशाहपुर भाई 100 रुपए का इनाम इस खिलाड़ी के लिए भी भाई मास्टर जी ने दोनों के लिए भाई 100-100 रुपए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मास्टर जी उत्साहवर्धन के लिए।